बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर मुजफ्फरनगर के बाद अब प्रियंका गांधी मेरठ पहुंच चुकी है। तो यहां पर वो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर रही हैं, जहां पर इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज सुबह प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, तो मुजफ्फरनगर से निकलने के बाद अब वो मेरठ पहुंच चुकी है और मेरठ में भी वो यहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर रही हैं। तो दौरान कांग्रेस के भी कई नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें, एक एक कर सभी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और ऐसे में बातचीत भी हिंसा पीड़ितों से उनके परिवारों से की जा रही है, जहां पर स्थिति को टटोला जा रहा है कि आखिरकार फिलहाल पीड़ितों की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्योंकि इसी स्थिति को लेकर प्रियंका गांधी का हमला योगी सरकार पर रहने वाला है, प्रशासन पर रहने वाला है और कानून व्यवस्था पर रहने वाला है। तो एक बार फिर से पीड़ितों से मुलाकात का जो सिलसिला वो जारी, और फिलहाल मेरठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरठ प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, यहां पर भी वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। दरअसल CAA को लेकर जिस तरह की हिंसा हुई थी, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें कई लोग घायल हो गए थे, हिंसा का शिकार हुए थे, और ऐसे में उसी मामले को लेकर फिलहाल मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ की बारी।